गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भाई आप सब? स्वागत है आप सबका, राधे राधे। हाँ, सुप्रभात, उमेश चंद्र शर्मा, गुड मॉर्निंग है सबको। सर जी राधे राधे, सचिन मौर्य राधे राधे भाई, आइए, स्वागत है आप सबका। कल हम लोग गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की यात्रा को पढ़ रहे थे। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की यात्रा, ज्ञान प्राप्ति की यात्रा, यात्रा इसके बारे में हम यात्रा इसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। याद होगा आप लोगों को, ज्ञान प्राप्ति की यात्रा के दौरान हमने उन्हें कहां पहुंचाया? तो हमने पहुंचाया उन्हें उरुवेला नामक स्थान पर। उरुवेला नाम का स्थान, जब यहां पहुंचते हैं और समाधि लगाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, समाधि लगाते हैं तो आपको यहां देखने को मिलेगा बच्चों कौन कौन सा, वैशाख पूर्णिमा। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। वैशाख पूर्णिमा का दिन सोहना तथा निरंजना निरंजना नदी का किनारा। साथ ही साथ एक और बात, वट वृक्ष या इसे पीपल वृक्ष के नीचे नीचे समाधि लगाने के 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति। और ध्यान रखना बच्चों, अपना व्रत जो इन्होंने तोड़ा था याद रखें। अरे भाई क्या हो गया ये? हाँ अंकिमा, ओके चले भाई। कृष्ण कांत बहुत बढ़िया बेटा, दिख रहा है ना सब कुछ क्लियर, गुड मॉर्निंग। देखेंगे भाई, ज्ञान प्राप्ति इनको हो जाती है। यहां एक फैक्ट है कि सुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर अपना व्रत तोड़ा। और यहीं से दो बातें निकल के आती हैं। पहली क्या देखना बच्चों, ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। कौन? गौतम, जिनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, वो क्या कहलाए? वो बुद्ध कहलाए और उरुवेला बोध गया कहलाई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इस स्थान को क्या नाम दे दिया गया? बोध गया नाम दे दिया गया और सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया, जिनके विषय में आप लोग पढ़ते होंगे, लाइट ऑफ एशिया, है ना? क्या कहते हैं इनको? लाइट ऑफ एशिया। ध्यान रखना बच्चों, ये लाइट ऑफ एशिया बनने की कहानी इसी स्थान पर, ये जो वर्तमान बिहार में स्थित जगह, यहीं से ये कहानी शुरू हुई थी। ज्ञान प्राप्ति की यात्रा की कहानी यहीं जाकर पूरी होती है और उरुवेला में, या जिसे वर्तमान में बोध गया कहा जाता है, वहां। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक? स्पष्ट है? चलो आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या? ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने संकल्प लिया कि अब हमें इस ज्ञान को, जो ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ है, इस ज्ञान को हमें आगे पहुंचाना है। तो आगे पहुंचाने के लिए हम कहते हैं उपदेश। और एक पॉइंट और रह गया बच्चों, इसमें हालांकि लिखवा दिया था कल, यह घटना संबोधि कहलाई। यहीं पर कहीं पर लिख लेना, संबोधि। ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाई?
संबोधि कहलाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। चल आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश, और ऐसे लिखना पहला उपदेश, पहला उपदेश। क्या कहा जाता है इसे? इस घटना को, इस घटना को, घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, प्रवर्तन कहते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन इस घटना को कहा जाता है। पहला उपदेश, ठीक है ना, पहला उपदेश। ठीक, आई कहां दिया, किसे दिया और क्या दिया। उपदेश अगर देने की बात करते हैं तो तीन ही बातें तो आती हैं निकल के। सबसे पहली चीज कहां दिया, कहां दिया, कहां दिया, किसे दिया, किसे दिया, किसे दिया और क्या दिया, क्या ज्ञान दिया, क्या ज्ञान दिया। अगर इन तीन बातों को हम लोग समझ लें, बात समझ में आ जाएगी। आइए भाई, किसको कहां दिया था, तो ध्यान रखना बच्चों, ऋषि पत्तन, ऋषि पत्तन नामक स्थान, नामक स्थान, स्थान जिसे कहा जाता है वाराणसी के निकट, वाराणसी के निकट, निकट, और वर्तमान में इसे सारनाथ कहते हैं, वर्तमान में इसे सारनाथ कहा जाता है, सारनाथ कहते हैं, वर्तमान में इसे क्या कहते हैं बच्चों, सारनाथ कहते हैं। किसे दिया था, किसे दिया था, राधे राधे, हाँ सारनाथ ने किसे दिया था, पांच ब्राह्मणों को, बिल्कुल सही बात है, पांच ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को, और क्या ज्ञान दिया था, तो चार आर्य सत्य बताए, चार आर्य सत्य बताए, आर्य सत्य बताए, ऐसे सत्य जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता, जिनको खारिज नहीं कर सकते आप किसी भी तर्क के आधार पर, उस तर्क को बताया चार आर्य सत्य के रूप में, कहां, सारनाथ में। ध्यान रखना बच्चों, ये चार आर्य सत्य यही मूल ज्ञान है, यही मूल ज्ञान है जो बुद्ध को प्राप्त हुआ था, मूल ज्ञान जो बुद्ध को मिला, जो बुद्ध को मिला, मूल ज्ञान जो बुद्ध को मिला। इसके बाद की कहानी आगे आती है कि इनके तीन सिद्धांत क्या थे, है ना, कौन सा दर्शन इन्होंने प्रतिपादित किया, ये सारी बातें थोड़ी देर के बाद। पहले आप ये समझें कि ज्ञान दिया इन्होंने और वो भी चार आर्य सत्य बताए। अब आता है पॉइंट कि चार आर्य सत्य थे कौन से, चार आर्य सत्य कौन से थे, चार आर्य सत्य क्या है। अगर आप चार आर्य सत्य को देखते हैं बच्चों, तो इसमें क्या है, पहला दुख है, दुख है, वो तो हम सबको पता है कि दुख तो है, ठीक है ना, दुख है, क्या दुख का कारण है, दुख का कारण, दुख का कारण, ठीक है ना। एक चीज समझिए, दुख इन्होंने कहा दुख है, और दुख किसके आधार पर पैदा हुआ है, दुख, हाँ चलिए, क्लास हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा बिल्कुल सही बात है, जी हाँ। इसके बाद कहा कि अगर, क्योंकि निराश हो जाएंगे लोग, यार इतने दिनों तक तपस्या किए, 49 दिन तक लगातार लगे रहे, और यही जान पाए कि दुख है, ये तो हमें पहले से ही पता था, और कहीं ना कहीं हम भी ये जानते हैं कि दुख का कारण तो होगा ही कोई ना कोई, इन्होंने कहा कि नहीं। ध्यान रखना बच्चों, दुख का निवारण भी है, उन्होंने कहा दुख का निवारण, निवारण भी है, और लास्ट में कहा कि उपाय भी बता देता हूं, निवारण के उपाय, प्रतिपदा, निवारण के उपाय। इन चार आर्य सत्यों को बताया और बता के कहा कि खुश हो जाओ, अगर दुनिया में दुख है, तकलीफ है, तो डोंट वरी, डोंट वरी, उस तकलीफ का क्या होगा, उस तकलीफ को हटाया भी जा सकता है। बोले करना क्या होगा, यहां से शुरुआत करते हैं, दुख है, देखना बच्चों, यहीं से कहते हैं, कहते हैं कि उपनिषदों की शिक्षा का प्रभाव है ये, उपनिषदों की शिक्षा का प्रभाव,
शिक्षा का प्रभाव, प्रभाव जो कि इस दर्शन में दिखाई देता है, इस दर्शन में दिखाई देता है, दिखाई देता है। सांसारिक मोह माया, लोभ मोह माया, ये क्या करते हैं इंसान को, इंसान को दुखी कर देते हैं। बोलते हैं कि करना क्या होगा ये तो बताओ। बुद्ध ने सबसे पहले कहा कि अगर अपने जीवन के दुखों को मिटाना है तो सबसे पहले आप अष्टांगिक मार्ग को अपनाएं। अगर आपने अपने जीवन में अष्टांगिक मार्ग को अपना लिया तो ये दुख कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई देगा। बोले करना क्या होगा अष्टांगिक मार्ग में, बोले 8 कार्य करने हैं आपको, ठीक है ना। देखना बच्चों, इसे इतना ही यहां पर लिखना, इसके बाद की कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे। दुख है, दुख का कारण इन्होंने तृष्णा को माना है, तृष्णा रूपी अग्नि, तृष्णा रूपी अग्नि, अग्नि। और इस तृष्णा रूपी अग्नि से क्या होता है, द्वंद पैदा होता है, और द्वंद से पैदा होता है डर, ठीक है ना, डर, और डर से आता है दुख, ठीक है ना। उपारण निवारण में कहा कहा कि इसी तृष्णा का, तृष्णा का अंत करना है, और तृष्णा को अंत करने के लिए जो उपाय बताए गए उन उपायों में पहला आता है अष्टांगिक मार्ग, दूसरा है सील सिद्धांत, और तीसरा जिसको कहते हैं कि बुद्ध में बौद्ध दर्शन का आप अध्ययन करिए, उसके हिसाब अपने जीवन को जीजिए। कैसे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और संगम शरणम गच्छामि, याद है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 11 PM वाली क्लास मैंने बताया था 15 तारीख से बेटा वो शुरू होगी, 15 तारीख से शुरू होगी, ठीक है। आइए अष्टांगिक मार्ग की तरफ चलते हैं। सबको पता होगा, बताने की आवश्यकता है क्या, अष्टांगिक मार्ग किसे नहीं पता है, 8 कार्य अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, मार्ग देखा, देखना इस दर्शन के अनुरूप, इस दर्शन के अनुरूप, दर्शन के अनुरूप, अनुरूप बुद्ध ने, बुद्ध ने 8 कार्यों को, 8 कार्यों को करने, करने की सलाह दी या करने का उपदेश दिया है, उपदेश दिया 8 कार्यों को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सम्यक वाक से, सम्यक वाक से सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पहला, पहला सम्यक वाक, सम्यक वाक। बोले सबसे पहले तो अपनी जबान पे कंट्रोल करना सीखो, है ना, अपनी जबान पे कंट्रोल करना सीखो। आपकी जबान, रुक रही है क्लास, 1 मिनट, ही क्या है भाई ड्रामा, देखना क्लास रुक रही है, क्लास रुक रही है, बफरिंग हो रही है, बच्चे बोल रहे हैं, क्लास रुक गई है, देखिए। क्लास रुक रही है, जिस दिन खूब अच्छा मूड होता है कि आज बहुत अच्छे से पढ़ना है उस दिन सत्यानाश हो जाता है इंटरनेट और ये फलाना ढमकाना। सही हुआ,
अरे सही हुआ अपूर्वा, तो दिक्कत कहां आ रही है फिर? इंपॉर्टेंट क्लास है, देखो इसको जल्दी से। जल्दी से सही कराओ इसको, बोलो इंपॉर्टेंट क्लास में समझ नहीं आता। पांच मिनट बच्चों, बस 2 मिनट है ना, कुछ प्रॉब्लम है शायद, देख लेते हैं क्या दिक्कत है ये, है ना। एक बार बताओ बच्चों, मेरी क्लास चल रही है, लाइव हूं मैं? सही है ना? ओके ठीक। ओके अब ठीक है, क्लियर है। चलो 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 चलो, बिल्कुल 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 सम्यक। वाह, देखना बच्चों, इसके माध्यम से अप्रिय वचनों को त्यागने की बात कही गई। अप्रिय वचनों को त्यागने की बात कही गई, त्यागने की बात है ना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सब कुछ क्लियर? कमेंट देखिए सर, बेटा कमेंट ही तो नहीं दिख रहा था, इसीलिए तो दिक्कत हुई। अब जाके तो कमेंट आया है, ठीक है ना रुचि त्रिपाठी? नहीं दिख रहा था बेटा कमेंट, अब आया कमेंट, ठीक है ना। चले सही चल रही है ना? ओके आई सम्यक वाक्य। देखना अप्रिय वचनों का ध्यान से सुने बच्चों, कई बार ऐसे सच भी होते हैं जो नहीं बोलने चाहिए इंसान को, क्योंकि वो क्या करते हैं, है सही है सही, बहुत बढ़िया। चलो भाई चलो आगे चलते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि दूसरा है, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि ये सबसे इंपॉर्टेंट मार्ग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मार्ग है। अगर आप सम्यक दृष्टि को देखें तो क्यों होता है ये भी बताता हूं, समझिए इस बात को। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इन चीजों को, है ना, लेकिन फिर भी समझें। वस्तुओं को उनकी वास्तविक स्थिति में देखना, वस्तुओं को उनकी वास्तविक स्थिति में देखना, उनकी वास्तविक स्थिति में देखना, में देखना। आपको लगता है कि ये चकाचौंध का जीवन बहुत अच्छा है, ठीक है ना सर जी? कितनी स्लाइड हो गई बेटा? टोटल 5 हो गई, टोटल 5 है ना, 5 स्लाइड हो गए टोटल, 5 हाँ 5 है, 4 5 ये 5वीं है। डेस्टिनेशन सर प्रज्ञाशील समाधि क्या होती? बस 5 से 10 मिनट और रुको, अष्टांगिक मार्ग के बाद दसों सील सिद्धांत ही बताने वाला हूं। डेस्टिनेशन भाई प्रज्ञाशील सिद्धांत समझाऊंगा बहुत अच्छे से, किसको करना चाहिए कि किसको नहीं करना चाहिए ये भी बताऊंगा, है ना। जैसे 2 तरह के सील सिद्धांत हैं, एक है जो सिर्फ और सिर्फ गृहस्थों पर लागू, सॉरी सिर्फ और सिर्फ भिक्षुओं पर लागू है, और एक है जो भिक्षुओं और गृहस्थों दोनों पर लागू है, तो इसमें समझाऊंगा, थोड़ा सा रुके रहिए बस, ठीक है ना। हाँ ओके क्या है? वस्तुओं को उनकी वास्तविक स्थिति में देखना, जो चीजें जैसी दिख रही हैं क्या ये वास्तविकता में वैसी हैं या नहीं।
अगर नहीं है इसका मतलब है कि हमें ज्ञान नहीं है। पहले आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। आप उपदेश को सुनिए, त्रिपिटक लिखे गए हैं, आप अभिधम पिटक को पढ़िए, सूत्र पिटक को पढ़िए, विनय पिटक को पढ़िए, उनके अनुसार आचरण करिए। आचरण करने के बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही यह संभव है कि आप ये पहचान पाएं कि महंगा मोबाइल जो आईफोन 15 लेके टहल रहा हूं बेसिकली इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। कल को अगर ऊपर जाना हुआ तो ये मोबाइल तो यही छूट जाएगा। अगर 5000 की शर्ट पहन रहा हूं तो ये 5000 की शर्ट तो यही रह जाएगी, 2 कौड़ी की चीज हो जाएगी। हमें तो ऐसे ही चले जाना है। तो कुल मिला के आपको जो आज महंगी कार 1.5 करोड़ की कार अगर आपको दिख रही है तो ये कार आप बताते हैं ना ये मेरा स्टेटस सिंबल है, नहीं कोई मतलब नहीं है। ये वास्तविकता में वो चीज है ही नहीं जिस चीज के बारे में आप लोग सोच रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा ये है ना। सर जी सम्यक का मतलब क्या होता है? उचित, एक तरह से देखा जाए उचित, जिसे उचित भी नहीं कहना उचित है, इसे आप बैलेंस्ड कहिए। बैलेंस्ड मध्य मार्ग का दर्शन है बौद्ध दर्शन। किसका दर्शन है? मध्य मार्ग का। अगर आप मध्य मार्ग के दर्शन की बात करते हैं तो मध्य मार्ग का मतलब होता है बैलेंस करना, जीवन को बैलेंस करना। एक ऐसी दृष्टि भी ना बना लो कि तुम्हारी दृष्टि में है ना, कहते हैं कि किसी पे भरोसा मत करो। बिलीव इन समबडी इज डेंजरस और बिलीव इन नोबडी इज वेरी डेंजरस। तो बीच का रास्ता जो होता है बैलेंस, ठीक है ना। हाँ चले ओके। आज बड़े दिनों के बाद बेटा आप अंकिमा दिखी, सम्यक दृष्टि समझ में आई क्या? मुंह बांधे आए हैं, पैर पसारे चले जाएंगे। आगे चलते हैं सम्यक संकल्प। तीसरा सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प देखें। संकल्प करना, एक ऐसा संकल्प करना कि आपके अंदर देखना होगा, किसी के पास बड़ी नौकरी सर यह सब सिर्फ तसल्ली के लिए है, अब बफरिंग होने लग गई, मैं आज किसी से लड़ न लूं, आज मैं इतना गुस्सा समझाते समय बफरिंग होती है ना, मूड खराब हो जाता है। देखो अरे सही करो भाई, अनुज अरे सुनो मित्र, तका यहां हो, अंदर आओ। ये देखो क्लास में बफरिंग काहे हो रही है कुछ ज्यादा ही आज, और जल्दी से एक सही कराओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ चलो बच्चों जल्दी से बताओ भाई एक बार सब लोग। मेरे फोन में भी ऐसा ही चल रहा है क्या? मेरे फोन में तो सही चल रहा है यार, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सम्यक कर्मोत चौथा, सम्यक कर्मोत का मतलब होता है कर्म कैसे करने हैं आपको, है ना। देखिए किसी का बुरा करने से किसी का बुरा नहीं करना। तो बोले अपने आप की हत्या कर सकते हैं क्या? किसी के साथ बुरा थोड़ी ना कर रहे हैं, अपने साथ कर रहे हैं। अगर अपने साथ कर रहे हैं तो क्या ये लॉजिकल है, कर सकते हैं क्या? बोले नहीं। दान दया सत्कर्म आदि कार्यों को करना, दान दया क्षमाशील ऐसा कार्य जिसके माध्यम से किसी को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। देखो फिर से अगर आप ये देख रहे होंगे इनके अष्टांगिक मार्ग में तो ये है कि किसी के साथ बुरा करने की बात नहीं कर रहे हैं और अपने साथ भी बुरा करने की बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी दर्शाने का प्रयास है कि ऐसा नहीं कि हम ही सब कुछ हैं, है ना। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि व्यक्तिगत सुधार की बात कही जा रही है। दुनिया में जो जैसी चीजें हैं वो वैसी चलती रहेंगी, उसमें तुम कुछ बदल भी नहीं सकते, बदलने का प्रयास भी मत करो। क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई इसमें ये चीजें प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है कोई बात नहीं, होंगी, आप अपने बारे में सोचिए ना, ठीक है चलते हैं।
अगला है पांचवा सम्यक आजीव। सम्यक आजीव इसको लेकर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, क्या दिखाता हूं सम्यक आजीव। सम्यक आजीव जीवन जीने की कला को सिखाता है, देखना जीने जीने की कला को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है देखना, नैतिकता और सदाचार के नियम, नैतिकता तथा सदाचार के नियम, सदाचार के नियम। नियम एक रील देख रहा था बाबानंद की, पता नहीं आप लोग जानते होंगे प्रेमानंद महाराज को, तो उनके पास एक महिला आई है ना, एक महिला आती है और देखो क्या है, देखो कैसे वेदांत दर्शन से उपनिषदों दर्शन से कैसे दर्शन विकसित हुए हैं, आज भी वो दर्शन मौजूद है। बस समझने वाली बात, एक महिला आती है बाबा के दरबार में, वो कहती कहती बाबा जी मेरे साथ किसी ने बहुत गलत किया है, मैं उसका कुछ कर नहीं सकती, मैं उसका कुछ कर नहीं सकती, लेकिन उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना, और मैं ये मानती हूं कि सजा देता है ईश्वर, ईश्वर सजा देता है, क्योंकि वरुण देवता का नाम है और वरुण देवता कहते हैं कि अगर कोई नैतिक रूप से गलत किया है तो उसे सजा मिलेगी ही मिलेगी, स्वाभाविक मिलेगी। उस महिला ने पूछा कि बाबा कब मिलेगी सजा, तो बाबा ने कहा कि आप उसे क्षमा करें, क्योंकि नैतिकता और सदाचार का नियम यह कहता है कि आप व्यक्तिगत अपना देखो, किसी को सजा मिलती है या नहीं मिलती उससे क्या मतलब है, नैतिकता और सदाचार के नियम है इनके अनुरूप अपने जीवन को जीना, इनके अनुरूप अनुरूप अपने जीवन को जीना, अपने जीवन को जीना जीना। सुबह अगर 5 बजे उठते हो है, सुबह अगर 5 बजे उठते हो तो 5 बजे उठा करो है ना, सुबह उठो, ईश्वर का जिस भी देवी देवता को मानते हैं आप, ईश्वर को मानते हैं आप, उनका उनको याद करिए, उनका स्मरण करिए, नहाइए धोइए, पढ़ाई करने बैठ जाइए। मैं 4:30 आदत वहीं से मेंटेन है, सुबह नहा धोइए, इतना काम होता है, मुझे हंसी आ जाएगी रहने। बिल्कुल राइट गुरु जी, बिल्कुल प्रभु गुरु कृपा केवलम, तरह क्यों रहे ओके बातचीत मत करो ओके भाई सॉरी सॉरी बेटा सॉरी। आइए सम्यक समाधि, सम्यक समाधि ये क्या होती है, सम्यक समाधि की अगर चर्चा करने जाएं तो ये कहते हैं कि इंसान के आज सुबह जब उठा था तो आज सुबह मतलब इतना एनर्जेटिक था कि आज जो है क्लास में बिल्कुल विस्फोट करूंगा। सबसे पहले आया, दिमाग खराब कर दिया इंटरनेट ने, और अब क्या ही बोलूं। आइए भाई सम्यक समाधि के विषय में चर्चा करते हैं बच्चों। सम्यक समाधि क्या कहती है देखना, चित्त को एकाग्र करना, चित्त को एकाग्र करना, एकाग्र करना ये बहुत आवश्यक है। आप किसी भी दुनिया में किसी भी तरह का कार्य करते हैं, किसी भी तरह का कार्य करते हैं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्या होता है, आप लोग भी देखते होंगे कि कहीं ना कहीं जब भी आप कोई अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं आपके अंदर से ही आता है। जैसे कई बार मैंने देखा आप लोगों को कि आप क्लास पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छे से पेन पेपर लेके बैठे थे, पढ़ रहे थे, अचानक से पता नहीं क्या मूड घूमा, यार ये सर्च करते हैं इंटरनेट पे, और वो सर्च करने चले गए वो क्लास छोड़ के, ठीक है ना, वो क्लास छोड़। पर्सनालिटी को सुधारना नहीं है बेटा, एकाग्र करना जिस काम को आप कर रहे हैं। मान लेते हैं आप इतिहास की क्लास देख रहे हैं अभी, इतिहास की क्लास,
हो सकता है टॉपिक पहले से आपने पढ़ा हो, तो पहले से ही क्लियर रहो कि नहीं मुझे ये टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, बात खत्म, क्यों ज्वाइन करें। क्योंकि शुरुआत में ऊपर ही दिख गया ना आपको कि भाई बौद्ध धर्म चल रहा है, अब बौद्ध धर्म में हमें पहले से ही पता है, एकाग्र करो। अगर आप खेल भी रहे हो है ना, या आप ऐसा कोई काम करो जो उचित नहीं है, उस कार्य को भी अगर आप एकाग्रता के साथ मन लगा के करते हैं तो आपका काम सफल हो जाएगा वो, है ना। जैसे पता नहीं ये बात मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मंच है। देखना, अगर तुम एकाग्र होके कोई कार्य कर रहे होते हो तो कोई ना कोई शक्ति है जो जरूर देख रही होती है ना। तीन प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तीन प्रदेश के, अगर तुम्हें थे उनमें किसी ने भी किसी एक का भी नाम पहले सुना हो तो बताना। तीन के तीनों मुख्यमंत्री, उन तीनों की अगर बात करने जाए तो उनको कोई जानता भी नहीं था, अचानक से मुख्यमंत्री बन गए, समझ रहे हो ना। ऐसा ही एक शक्ति होगी। आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, एथिस्ट हैं, अगर नास्तिक हैं तो प्रकृति को मानते होंगे, अरे कहीं से तो आए होंगे, मूंगफली में तो देख लेना तुम, है ना, किसने तो बनाया होगा तुम्हें, जिसने भी बनाया, प्रकृति ने बनाया, गॉड ने बनाया, भगवान ने बनाया, या अल्लाह ने बनाया, जिसने भी बनाया हो, लेकिन बनाया तो है किसी ने। आप एकाग्रता के साथ अपने चित्त को एकाग्र करके अगर काम करते रहेंगे, स्वाभाविक है एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सातवें की बात करते हैं, सातवां कर्म कौन सा बताया इन्होंने, सातवें की बात करते हैं, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, व्यायाम इससे क्या होता है, इससे शारीरिक श्रम, शारीरिक श्रम, इससे शरीर स्वस्थ, इससे शरीर स्वस्थ, स्वस्थ। और अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क से, मस्तिष्क से विवेकपूर्ण निर्णय ले पाएंगे आप, विवेकपूर्ण निर्णय ले पाएंगे, निर्णय ले पाएंगे। अब मुझे भी लगने लग गया कि मैं भी सीएम बन जाऊंगा जल्दी से ही, जिस विश्वास से लोग कहते हैं कि वो नास्तिक हैं, वही विश्वास वास्तविकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे, सबसे लास्ट में है सम्यक स्मृति। मैं बाकी सभी नियमों का पालन कर पाता हूं कभी कभार, ये एक ऐसा नियम है जिसको आज तक कभी नहीं कर पाया। सम्यक स्मृति, इसका पालन करना बहुत आवश्यक है ना, बहुत आवश्यक तुम लोगों के लिए भी, ठीक है ना, तुम लोगों के लिए। अपनी स्मृति में, अपनी याद में, अपनी याद में उपयोगी, उपयोगी चीजों को ही रखो, चीजों को रखना। ये खुश ना रहने का एक सबसे बड़ा कारण है जो आप लोग खुश नहीं रह पाते हैं, है ना। कुछ ऐसी पुरानी बातें, कुछ ऐसी पुरानी घटनाएं जिन्हें आप बार बार सोचते हैं, है ना। हाँ ठीक है, यही तो मैं कह रहा था बेटा, सोच के देखो। अंकिमा आपको यही बताना चाह रहा था, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक उनकी प्रारंभिक परीक्षा भी कभी नहीं निकल पाई। और एक ऐसे ही लप्पू सा कोई लड़का आता है, लड़की आती है, लप्पू सा, है ना, और फॉर्म भरा, फॉर्म भर के पता चला उसकी 10वीं रैंक आ गई। वो 10 साल वाला लड़का या लड़की अपने माथे पर ईंट मारने का मन करता है कि यार मैं 10 साल से तैयारी कर रही थी, 10 साल में इतना अनुभव हो गया होगा, इतनी सारी चीजें पढ़ी होंगी, मेरा नहीं हुआ। और वो पहली साल क्यों कहते हैं, कल का आया लड़का और हमारे ऊपर है 10वीं रैंक मार गया, 10th रैंक। तो इसलिए कहता हूं बच्चों, हो सकता है कि कुछ बच्चों ने 6 टॉपिक पढ़े हैं और कुछ ने 600 टॉपिक पढ़े हैं, कुछ ने 600 टॉपिक पढ़े, कुछ बच्चों ने सिर्फ 6 टॉपिक पढ़े और टोटल टॉपिक 1000 है। परीक्षा में यही 6 टॉपिक पूछा गया जो इस बच्चे ने पढ़े थे, और ये 600 टॉपिक में ये 6 टॉपिक इन्वॉल्व नहीं, ये तो फेल हो गया। ऐसा नहीं मेहनत नहीं की, मेहनत इसने भी की है, लेकिन ये 6 टॉपिक पढ़ा था इसका लग गया, हो गया सिलेक्शन। कई ऐसे एग्जाम्पल के साथ अब क्या ही बताऊं, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्हें पढ़ाया, आज वो सिलेक्ट हो गए, और उसी एग्जाम में मैं नहीं सिलेक्ट हुआ, उसी एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ, और मेरे ही पढ़ाए हुए लोग सिलेक्ट हो गए। एक नहीं कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं,
क्या कहोगे? ठीक है चलिए भाई, अष्टांगिक मार्ग में कहीं किसी को दिक्कत आ रही हो तो जल्दी से बोलो भाई। अष्टांगिक मार्ग में कहीं पे किसी को दिक्कत आ रही हो तो एक बार बताओ, नहीं तो आगे बढ़े जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएं। क्लियर आई। अब चलते हैं, पहले सील सिद्धांत पढ़ाऊं या पहले दर्शन पढ़ाता हूं, है ना? पहले दर्शन पढ़ते हैं, दर्शन के बाद सील सिद्धांत पढ़ लेंगे। कुल मिलाकर अगर आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा कि भाई ये अष्टांगिक मार्ग है, इसी 8 कार्यों के साथ 10 और कार्य करने की सलाह दे दी गई थी, 10 और कार्य करने की, जिन्हें बौद्ध धर्म में सील सिद्धांत कहा गया था, सील सिद्धांत। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है, अष्टांगिक मार्ग के बाद आपको ये जानना जरूरी है कि इसका दर्शन क्या है, क्या सोच है इसकी, है ना, क्या सोच है, किस विचारधारा पर आधारित है ये चीजें। ठीक है चलिए आगे। बौद्ध धर्म का दर्शन एवं मान्यता, बौद्ध धर्म का दर्शन, दर्शन एवं मान्यता, एवं मान्यता, बौद्ध धर्म के दर्शन एवं मान्यता की अगर चर्चा करते हैं तो कुछ चीजें तो कॉमन है जो जैन धर्म से मिलती जुलती हैं। जैसे कुछ चीजें कॉमन, वर्ण के आधार पर भेदभाव का निषेध, वर्ण के आधार पर भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध। एक और बात है कि लिंग आधारित भेदभाव इसमें पहले दिखाई देता है, ठीक है ना? हाँ एक बार फिर से शुरू हो गया, अरे पढ़ो चुपचाप, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे पता है तुम लोग झूठ बोलते हो सर, झूठ बोलते हो। अभी तुम्हें सिखाया हमेशा सच बोलो, जैन धर्म में भी पढ़ाया, बौद्ध में भी यही पढ़ाया, हमेशा सच बोलो। हाँ अच्छा ओके शिवनायक, ठीक है ओके आई। भेदभाव का निषेध करते हैं, साथ ही साथ देखना भाई, आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना, आत्मा के अस्तित्व को, ये बड़ी बात है, अस्तित्व को नहीं माना, नहीं माना, और ना ही नकारा है। क्योंकि अगर बुद्ध से कोई पूछता था कि भगवान गुरु जी आत्मा क्या होती है, तो शांत हो जाते हैं, ठीक है ना, वो शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, शांत हो गए इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने मना किया कि नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने मान लिया कि है। तो इसलिए आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना है, नकारा है नहीं। आगे देखना, ये क्या करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, लगभग लगभग सभी सभी संप्रदायों ने पुनर्जन्म की बात कही है, ठीक है ना? हाँ कभी कभी मरने का मन करता है, कमाल है, सही है, हिंदुस्तान में रहते हैं, सही। सच बताऊं तो मुझे लगता है ना कि अगर थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ठीक हो, थोड़ी सी, कोई अगर ये कह दे कि तुम्हें 10,000-20,000 रुपए हर महीने देता रहूंगा, अपना खाना खर्चा तुम चलाते रहना, तो मैं पूरे जीवन तैयारी करना चाहता हूँ, पूरे के पूरे जीवन तैयारी करना, नौकरी लग भी जाए तब भी तैयारी करता रहूं, है ना, ना शादी ना बच्चे कुछ नहीं, सिर्फ तैयारी करते रहो और पढ़ते रहो नई नई चीजों को, है ना, मार्केट में अच्छी अच्छी किताबें आ रही हैं उनको ढूंढ के पढ़ो, कभी ऐसा कर रहे हो कि ऐसे होता है ना, कभी खाना बनाते रहो और पढ़ते रहो, खाना खाते रहो पढ़ते रहो, मजेदार चीज है पढ़ना, गजब की चीज है, बार ट्राई करके देखना तुम लोग, दिल लगा के देखो पढ़ाई से, कमाल की चीज है पढ़ाई, तुम इसे छोड़ना ही नहीं चाहोगे कभी भी। नौकरी लग भी जाएगी तो एक अलग से वो बनवाओगे अपने यहाँ, क्या कहते हैं, लाइब्रेरी, उसमें अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवाओगे, ठीक है ना, बहुत गजब का काम है। लेकिन वही है, पेट का चक्कर इसलिए काम करना पड़ता है, नहीं तो कौन काम करना चाहे,
मैं तो सुकून से सुबह उठो अपना, नहा धो के अपना बैठो और शाम तक पढ़ते रहो मस्त, ठीक है। फिर दोपहर में कई एक बार चाय पी के आओ और चाय पी के फिर मस्त होके बैठो पढ़ने, मजेदार है, कभी ट्राई करके देखना। और मरने का तो मन कभी करना ही नहीं चाहिए। पता नहीं हमारे यहाँ भागवत कथा में कहा जाता है, जब जन्म जन्मांतर का पुण्य, मतलब कई जन्मों का पुण्य आपका क्या करता है, उदय होता है ना, तब तुम्हें मानव का जन्म लेना है। नहीं, सांप बिच्छू बन के कहीं टहल रहे होते, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा है किरण, सिलेक्शन होगा बेटा। क्या है ये पुनर्जन्म में? वही वेदों के प्रति अनास्था। अब थोड़ी देर बिल्कुल पढ़ाई, वेदों के प्रति अनास्था, वेदों के प्रति अनास्था, अनास्था और प्रमाणिक ना मानना, और प्रमाणिक प्रमाणिक मान। समय में भगत सिंह भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या होता, तो ऐसे एक कंडीशन रखे देखिए कि क्या होता। वेदों के प्रति अनास्था, अनिश्वरवाद, अनिश्वरवाद का प्रचार प्रसार, का प्रचार प्रसार, अनिश्वरवाद का प्रचार प्रसार। ये कहता है अनिश्वर अर्थात ईश्वर की, ईश्वर की सत्ता को नकार देता है, कहता है ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं होती है, ईश्वर नाम की सत्ता नहीं होती, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हो? ओके सही, चलिए नास्तिक दर्शन आगे। दर्शन 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 की बात करें बच्चों तो अति का परिहार, अति पर रोग, अति पर रोग, इनका दर्शन जो मध्य मार्ग है, मध्य मार्ग, ये मध्य मार्ग यही कार्य करता है, अति पर रोग की चर्चा करता है, समझे। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, ठीक है ना। हाँ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, जैसे अगर आप देखें पुरानी व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था क्या करती है, पुरानी व्यवस्था, ऐसे शेयर और मत कर देना भाई, मैंने ऐसे जनरल वे में बोल दिया, नहीं तुम लोग इसको कह दो देखो वो कैसे है ना हेट स्पीच दे रहा है वो, मेरा सभी धर्मों में बेटा समान लगाव है और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। मेरा बस चले तो मैं उसे कटवा भी दूं, अब मुझे लग रहा है कि उसे मैं ट्रिम करवा देना चाहिए उतना वीडियो, मेरा ऐसा कोई हेट फैलाने का वो नहीं था और ना ही है। अगर आप में से किसी को लगा हुआ ऐसा तो मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही जहन में कंडीशन आई रख दिया, ठीक है ना। नहीं उतनी क्लिप काटो, संदर्भ कुछ पता ही ना हो और उतनी क्लिप काट के पता चले कि मुझे अगले दिन फोन आ रहे हैं मिल, है ना। तो बच्चों मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं था और मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट भी नहीं करना चाहता था, ठीक है ना। ठीक है, मेरे लिए, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं और इतिहास के विद्यार्थी को यही चीज सिखाया गया है कि ईश्वर मतलब गॉड इज अ इंटेलेक्चुअल चाइल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। पुरानी व्यवस्था में पहली व्यवस्था आडंबर, आडंबर, ठीक है, आडंबर, ये पुरानी व्यवस्था कहती है आडंबर की व्यवस्था है। आडंबर में जैसे आपको यज्ञ करना ही पड़ेगा, यज्ञ करना है, बोले नहीं, नया मार्ग जो मध्य मार्ग है वो कहता है कि यज्ञ करने से बहुत सारी चीजें हैं जो नुकसानदायक हैं, जैसे जिस व्यक्ति को जजमान बनाया गया है, जजमान बनाया गया है, उसे कितना पैसा पुरोहित को देना है, कितना नहीं देना है, पुरोहित को देना है, कितना नहीं देना है, ठीक है। हाँ एक समान, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। ओके हाँ, नहीं ये बड़ा खतरनाक स्थिति बनी हुई है एक समय पर, और खासकर वर्तमान समय पे तो जो भड़काने वाले लोग हैं, लड़ाने वाले लोग हैं, इस तरह की बातें कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा, ठीक है भाई। आडंबर, मध्य मार्ग में किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं है, जब तक कि बौद्धों के विभाजन के बाद महायान शाखा का जन्म नहीं हो जाता,
महायान शाखा कहीं ना कहीं इतने उन पुरानी व्यवस्थाओं में वो सारी चीजें ढूंढ ली, ठीक है ना, वो सारी चीजें ढूंढ ली जिससे पुरानी चीजें बनी हुई थी। मूर्ति पूजा की फिर पुनः शुरुआत हो गई। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, कहते ना मूर्ति पूजा क्या करते हो, है ना, मूर्ति पूजा की। लेकिन बाद में वही देखो, सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की बनाई गई। जो आदमी जीवन भर ये कहता रहा ईश्वर नहीं होता, ईश्वर नहीं होता, उसे ही ईश्वर बना के वही आडंबर शुरू हो गए पुनः, समझ में आया। वो जीवन भर चिल्लाता रहा कि नहीं होते। एक फिल्म आई थी इसके ऊपर, एक बहुत अच्छी कमेंट थी, ये दूसरी वाली नहीं, OMG, ओ माई गॉड, ये जो पहला वाला इसका संस्करण था, पहला संस्करण था, उसमें जो आदमी जीवन भर ये बताता रहा कि ईश्वर अगर होता तो मेरे दुकान के पैसे दे देता, ईश्वर नहीं है, बाद में उसे ही उसकी मूर्ति बनाकर उसे ईश्वर की तरह पूजने लग गए लोग, ठीक है ना। हाँ सर, समाज तो पंडितों ने ही खराब किया, ऊंच नीच पंडित ही करते थे। रंजी शर्मा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है बेटा, ऊंच नीच पंडित ही करते थे, है ना। हाँ सही है, आगे चलो भाई, आज इतना ही, इसके बाद की कहानी शाम को मिलते हैं, ठीक है ना। प्रथम मूर्ति मथुरा में शैली में, हाँ बिल्कुल वही है, ठीक है ना। आज इतना ही, ध्यान रखना बच्चों, आप लोगों के लिए ये शानदार बैच चल रहा है ना, जिसकी डेमो क्लासेस आप लोगों को 18 दिसंबर से देखने को मिल जाएंगी, 18 दिसंबर से, और 25 दिसंबर से ये फुल फ्लेज में अपना काम शुरू कर देगा। और प्राइस भी कुछ खास नहीं है, जो बच्चे जुड़ गए हैं उनको 18 तक वेट करना पड़ेगा, 18 के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। हाँ 11 बताया तो बेटा, 15 तारीख से 11 PM वाली क्लास 15 तारीख से शुरू होगी। अभी थोड़ा सा इसमें लगा हुआ हूँ, इसको थोड़ा सा निपटा के फिर आते हैं, है ना, फिर आते हैं। ईमानदारी से मेहनत करते हैं, और ध्यान रखिएगा बच्चों, जो YouTube की क्लासेस हैं, YouTube की एज इट इज क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है ना। अब आपकी करंट अफेयर भी रेगुलर चल रही होगी, एप्लीकेशन पे भी और YouTube पे भी चली होगी, है ना। थोड़ा सा आप लोग उसमें संख्या कम रहती, एक बार जाइए, बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे टीचर हैं, तो आप एक बार उनसे मिलिए, बात करिए, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। सर कल दोनों क्लास की PDF नहीं मिली, दिवाकर झूठ मत बोलना, ठीक है ना, सही में नहीं मिली क्या, चलो नहीं मिली होगी तो अभी देख देता हूँ, ठीक है ना, चलिए।